हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी महोदय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप भी बागवान लगाए हैं या फूल नर्सरी या फिर अनेकों प्रकार के पौधे लगाए हैं जो कि आप पाइप के माध्यम से उसे जो है कि धुलते हैं या सिंचाई करते हैं, तो जैसे हमारा पाइप का या पानी का या टंकी का या मोटर पंप का इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि उसकी वजह से वहाँ हमारा मिट्टी गड्ढा हो जाता है या फिर पेड़ के ऊपर जो है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है या फिर हमको जो है कि उसके लिए झरना यानी शावर की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि देसी जुगाड़ से शावर कैसे बनाएं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक छोटा बोतल है और इस बोतल से हम शावर बनाएंगे। और शावर बनाने के लिए क्या करना है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोतल का उपयोग करना है। और अगर आपका जो पाइप है अगर इसके जो है कि इस वाले में होल में फिट बैठ जाए तो ठीक है, इसमें डाल के आप टेप कर सकते हैं। कुछ दूरी तक पाइप अंदर डाल के और टेप कर देंगे तो भी ठीक होगा। अगर पाइप पतला है तो ढक्कन बंद करने के बाद जो है कि आप देख सकते हैं ढक्कन बंद करके इसमें आप पाइप के साइज़ का होल करके पाइप इसमें डाल के आप उसे अच्छे से टेप कर दें। और शावर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस की सहायता लेना है और पेचकस की सहायता से इसमें जो है कि छेद कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। यहाँ जो है कि कुछ इस प्रकार से छेद कर देना है। और आवश्यकता अनुसार जितनी मतलब कि जितना में कि हमें हमारा शावर से पानी निकल जाए उतना छेद कर देना है। और यहां हमें जो है कि कुछ इस प्रकार से बहुत सारे छेद को कर देना है। और छेद करने के बाद जो है कि अब हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा यह जो है कि इसको हम फुलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह प्रेशर की वजह से दबाव की वजह से यह अटक गया है बोतल। तो इसको अब हम उबाल लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे छेद हो चुके हैं। और छेद के बाद इधर से हमें पाइप लगाना है। और बोतल छोटा लेने से ये फायदा होगा कि जो है कि हमारा शावर छोटे में ही होगा और जो है कि इसमें पानी भी भरेगा तो जो है कि ज़्यादा वजन हमारे हाथों के लिए नहीं होगा। और यहाँ से पाइप लगा के कुछ इस प्रकार से और इस पर टेप करके इस प्रकार से पकड़ देना है और बिल्कुल हमारा शावर के तरीके से काम करेगा यह बोतल। तो इस तरीके से आप देसी जुगाड़ लगा के बहुत ही आसानी से शावर बना सकते हैं। तो अगर आप पेड़ पौधे या बागवान नर्सरी में शावर का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मात्र जो है कि फ्री के जुगाड़ से बोतल के जुगाड़ से शावर बना सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद आप पाइप में जोड़ देंगे तो यह बिल्कुल अच्छे तरीके से शावर का काम करेगा। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर इसमें से जितना छिद्र है इसमें से पानी नहीं निकल पा रहा है, अगर फोल से ज़्यादा बनना है तो आप जो है कि आवश्यकता अनुसार और छिद्र को बड़ा बना सकते हैं और मोटा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।